चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों की अब खैर नहीं है। जिले भर के कबाड़ियों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। संबंधित थाने चौकियों पर कबाड़ियों से सामान न खरीदने की शपथ दिलाई जा रही है। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार का कहना है कि चोरी का सामान खरीदने पर दोषी कबाड़ी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कबाड़ी चोरी का सामान सस्ते में खरीदने के बाद महंगे दामों में बेच देते हैं। अब चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों की खैर नहीं है। पुलिस कबाड़ियों की सूची तैयार कर थाने चौकी पर बुलाकर चोरी का सामान न खरीदने की शपथ दिला रही है। इस बारे में कबाड़ियों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, इसमें जितने भी कबाड़ी हैं सभी BPO SHOs को टास्क दिया गया, इन सबको कॉल करके पहले तो इनकी सूची बननी है, फिर इनको कॉल करके थाने पर बुलाया जा रहा है, इनसे शपथ भी दिलाया जा रहा है और इसका एक रजिस्टर भी बनाया जा रहा है अलग से, जिनमें इनकी सारी जानकारी रहेगी, नाम पता मोबाइल नंबर, कहाँ इनकी दुकान है, क्या काम ये कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी इसमें रहेगी। अगर किसी का कोई आपराधिक इतिहास पाया जाता है वो भी इसमें लिखा जाएगा। तो ये अभियान पश्चिमी जोन में भी चलाया जा रहा है और कमिश्नरेट के बाकी जोन में भी चलाया जा रहा है और इसमें डेली बुला करके हम लोग शपथ इसमें दिलवा रहे हैं। शहर देहात के थानों की पुलिस कबाड़े का कार्य करने वाले लोगों की सूची तैयार कर रही है। इसके साथ ही कबाड़ियों को थाने पर बुलाकर चोरी का सामान न खरीदने के बारे में बारीकी से समझाया जा रहा है। एतमादपुर थाने में बुलाए गए कबाड़ियों को पुलिस ने शपथ दिलाई। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है, पर ये डेटाबेस तैयार हो रहा है ताकि भविष्य में मान लीजिए कभी कोई चोरी की घटना होती है, कुछ होता है, तो हम यहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे तो नहीं सामान पड़ा हुआ। ये इससे काफी मदद मिलेगी। दो चीज़ें हैं, एक तो इस तरह से करने से जो इस तरह का सोच भी रहे होंगे करने का वो नहीं करेंगे, तो एक ये प्रिवेंटिव टाइप की चीज़ होगी और दूसरा मान लीजिए कोई घटना होती है, हमारे पास डेटाबेस रहेगा, हम वहाँ पे जा करके पता कर लेंगे कि चोरी का सामान तो नहीं है वहाँ पे और वहाँ से हमें वर्कआउट करने में भी मदद मिलेगी। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सभी थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्र के कबाड़ियों की सूची तैयार कर शपथ दिला रही है। चोरी के वाहनों के साथ कटे हुए वाहनों के पार्ट्स खरीदने के बाद कबाड़ी महंगे दामों में बेच देते हैं। ऐसे कबाड़ियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भी भेज चुकी है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।